यहाँ से करीबन 124 लाइट ईयर्स दूर नासा के सैटेलाइट ने एक प्लैनेट ढूंढा है जिसका नाम है K2-18b। इस प्लैनेट का रेडियस है 14,271 किलोमीटर और ऑर्बिटल पीरियड है 33 डेज का। इस प्लैनेट से सूरज बहुत किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें सूरज की कमी महसूस नहीं होगी क्योंकि इस प्लैनेट में ही गर्मी है। पर यह बताना मुश्किल है कि इतने सारे लोगों को वहाँ एक साथ कैसे ले जाया जाए, क्योंकि इतने सारे लोगों को ले जाने के लिए एक बड़ी स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इंडिया के ही लोगों को ले जाने में करीबन 1.5 साल लग जाएगा, तो पूरी दुनिया को ले जाने में 1,000 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं। अगर मान के चलो अगर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की वजह से वहाँ पर चली भी जाए तो वहाँ पर सेटल होने में बहुत साल लगेंगे, जिससे कि वहाँ जाना बेवकूफ़ी ही होगी। शायद यही कारण हो सकता है कि सरकार ने भी K2-18b का मिशन आधे में ही छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है K2-18b प्लैनेट में किसी नए पीढ़ी का जन्म होने वाला था, यानी कि उस जगह में कुछ छोटे छोटे जीव का पैदा हो रहे थे। इस वजह से सरकार ने मिशन मूव टू न्यू प्लैनेट यानी कि K2-18b का प्लैनेट आधे में ही छोड़ दिया था। तो कुछ और लोग कुछ और ही कहते हैं, पर सच क्या है ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। आखिर सच तो गवर्नमेंट को ही पता होगा, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई संकट नहीं आया है जिससे कि हम दूसरे प्लैनेट में जाए। लेकिन जल्दी ही हमारे पास संकट आने वाला है, क्योंकि दुनिया में बढ़ता पॉल्यूशन, रोज़ाना नदियों गंदा होना और हर दिन नए नए बीमारियों का पलना, इन सबको देखते हुए हमें देखा जा रहा है कि हमें दूसरे प्लैनेट में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको देखना है कि पृथ्वी का अंत कैसा होगा तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक मारें, चैनल को सब्सक्राइब मारें। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।